हेलो माय लवली व्यूअर्स, वेलकम टू माय इंडियन फूड चैनल। और मैं हूं आपकी दोस्त अंजलि नकड़ा। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक और नई रेसिपी शेयर करने जा रही हूं। गर्मियां आ चुकी हैं, तो गर्मियों में बेल का शरबत मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूं। फ्रेंड्स, बेल का शरबत जो है, इसको एप्पल फूड भी एप्पल वुड कहा जाता है। इस फ्रूट का नाम एप्पल वुड है, इसे बेल भी कहा जाता है। तो ये काफ़ी हेल्दी है। इसका शरबत मैं आज आपको बनाना सिखाऊंगी। एक्चुअली इसके हेल्थ बेनिफिट्स बहुत हैं, इसे गर्मी में ज़रूर पीना चाहिए। काफ़ी हेल्दी है ये। इसमें आयरन है, कैल्शियम है, फॉस्फोरस है, काफ़ी कार्बोहाइड्रेट है, काफ़ी कुछ है इसके अंदर। इसी एक फ्रूट के अंदर इतने कुछ हैं। और ये हमारे बहुत सी डिजीज़ को बचाता है, एकदम रामबाण की तरह है। आप इसका गर्मी में शरबत बना के पीजिए, काफ़ी हेल्थ बेनिफिट्स आपको मिलेंगे इससे और काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। अगर आपको डायरिया की शिकायत रहती है, कब्ज की शिकायत रहती है, तो ये जड़ से मुक्त करता है। तो आप इस तरह का बेल शरबत बना के पीजिए घर में, तो काफ़ी आप बीमारियों से निजात पा सकते हैं। और जैसे गर्मी में लू लग जाती है, और लू ना लगे और लू लग जाए तो भी आप दोनों सिचुएशन पे आप ये बेल का शरबत ज़रूर पिएं। इससे आपको अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा और जल्दी से आप लू ख़त्म हो जाएगी आपकी, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी लू से। तो आप बेल का शरबत ज़रूर पिए। और डिजीज़ हैं, डायरिया है, कैंसर है, किसी भी तरह का कैंसर हो, ये ज़रूर अच्छे से मतलब ख़त्म करता है, ये कैंसर नहीं होने देता। तो आप इसे ज़रूर पिए, इसका शरबत बना के घर में। और भी बहुत सारी हमारे पेट में जैसे दर्द होता है, उस तरह के उससे भी ये निजात मिलता है इसे पीने से। और भी बहुत तरह की बीमारी हैं, उससे निजात देता है ये, एकदम बिल्कुल रामबाण है, इसे पिए। और चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने का तरीका बताती हूँ मैं आपको। आप इस तरह का बाज़ार से एप्पल वुड यानी कि बेल ले आइए। ये देखिए, आप मैं आपको इसकी आवाज़ सुनाती हूँ। बिल्कुल नारियल की तरह होता है, जैसे कोकोनट होता है ना, बिल्कुल बाहर से हार्ड होता है वैसे होता है। देखिए, बिल्कुल ऐसा हार्ड है। तो आप घर में आपके बेलन होगा, आप कोई भी बेलन ले लें। और बेलन लेने के बाद आप इस तरीके से इसको तोड़ेंगी अच्छे से, बिल्कुल एकदम ऐसे, एक बार में नहीं टूटेगा, क्योंकि जैसे नारियल होता है बिल्कुल हार्ड, वैसे है, हमें इस तरीके से तोड़ना होगा। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने तोड़ लिया है, दे देखिए इस तरह का होगा। काफ़ी अच्छी स्मेल आ रही है इसकी, बहुत ही हेल्दी फ्रूट है ये। आप ये ज़रूर इसका घर में शरबत बनाइए। हमें इस तरह का आप कोई भी बर्तन ले लें, बाउल वगैरह, और उसमें इस तरीके से आप करछी से स्कूप कर लें। और ये सारा जो है, ये इस तरीके से स्कूप करके निकाल लें। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने हाथ से अच्छे से निकाल लिया, बिकॉज़ हमें थोड़ी परेशानी हो रही थी। ये थोड़ा इसका जो पल्प है निकालना थोड़ा टिपिकल रहता है, तो आप इसे हाथ की सहायता से थोड़ा निकाल लें, या फिर जो इस तरह की कड़ची आती है, आप उसकी सहायता से इजीली निकाल सकते हैं। तो हमने इस तरीके से पल्प निकाल लिया है। आप इस तरीके से स्पून से भी ये जो ये इसमें है पल्प, वो भी आप निकाल लें। ये देखिए, आप इस तरीके से निकाल लें, बहुत ही टेस्टी बनता है फ्रेंड्स ये बेल का शरबत, और काफ़ी हेल्दी भी है। तो फ्रेंड्स, हमने इस तरीके से सारा जो पल्प है वो निकाल लिया है। ये पल्प जो है बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही चिकना होता है, तो आप इस तरीके से निकाल लें, ऐसी बात नहीं है, ईजी है, बहुत अच्छे तरीके से आप निकाल लें। ये जो इनके जो छिलके हैं, ये देखिए, आप चम्मच की सहायता से, स्पून की सहायता से आप इस तरह से कुरेद कुरेद के निकाल लें। इस तरीके से हमने रेडी कर लिया है पल्प। फ्रेंड्स, एक चीज़ और मैं आपको इसका एक अच्छा बेनिफिट और बता देती हूँ। जैसे कि दाने हो जाते हैं हमारे, पिंपल्स हो जाते हैं, और ये बहुत ही अच्छा वो है, हेल्दी, ये हमारे पिंपल्स नहीं होने देता। और सबसे बड़ी बात, हमारा जो ब्लड है वो प्यूरीफाई करता है, जो हमारे खून है वो प्यूरीफाई करता है। तो ये बहुत ही अच्छा फ्रूट है, आप इसे ज़रूर जूस यानी कि शरबत आप इसका पिए ज़रूर। और जो बच्चों को अक्सर शिकायत रहती है पेट दर्द की, या फिर डायरिया, कब्ज़ की, तो और हमारे खांसी ज़ुकाम में भी बहुत ही हेल्प करता है। तो बहुत ही अच्छा फ्रूट है, और जो दस्त वगैरह होते हैं उससे भी निजात देता है।
फ्रेंड्स ये बवासीर में भी बहुत ही हेल्प करता है, बवासीर में भी इसे पीना चाहिए, तो बहुत ही हेल्प करता है हमारा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट स्टेप करते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, आप इस तरह से पल्प निकाल लें और निकालने के बाद आप इसमें वाटर डाल लें, लगभग एक ग्लास वाटर डालने के बाद इससे क्या होगा, जो भी इसका गूदा है वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा, सॉफ्ट होके इस पानी में फूलने लग जाएगा, क्योंकि ये थोड़ा हार्ड पड़ रहा है। इस तरीके से हम इसको थोड़ा सा हल्के से मैश करेंगे, हल्का हल्का, जो आलू पोटैटो मैशर आता है उससे आप मैश कर लें थोड़ा थोड़ा, और इस तरीके से पानी में डिप रहने दें थोड़ी देर, क्योंकि हार्ड है ये, पानी में पड़ा रहेगा तो इसका जूस निकाल, इसका जो पल्प है वो निकलने में आसानी रहेगी और थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा, फूल जाएगा ये पल्प, इसे हम मैश करने में आसानी रहेगी। तो अभी ये हार्ड है, थोड़ा मैश नहीं हो पा रहा, तो आप इसे थोड़ी देर के लिए, आधे घंटे के लिए रख दें ढक के। आधे घंटे बाद मैं आपको दिखाऊंगी। तो फ्रेंड्स आधा घंटा हो चुका है, अब हम इसको हटा के देख लेते हैं प्लेट को। ये देखिए, ये इस तरीके से हमारा जो है, जो गूदा है वो सॉफ्ट हो चुका है, और सॉफ्ट होने के बाद इस तरीके से हमारा पल्प रेडी हो गया है। अब हम इसे अच्छे से, जो पोटैटो मैशर होता है आप उससे मैश कर लें, अच्छे से दबा लें, जितना हो सके आप उतना दबाएं। फ्रेंड्स इसे आप मिक्सी में चर्न नहीं कर सकते, मिक्सी में इसे ब्लेंड नहीं करना, बिकॉज इसका कारण ये है कि इसमें जो सीड्स होते हैं आप देख सकते हैं, ये सीड है, ये सीड्स अगर मिक्सी में हम पीसेंगे तो ये सीड्स साथ में पिस जाएंगे, सीड्स निकालना बहुत मुश्किल पड़ जाएगा, क्योंकि इन गूदों के अंदर बहुत सारे सीड्स होते हैं इस तरह के, इन सीड्स को निकालना मुश्किल हो जाता है। अगर हम इसे मिक्सी में चर्न करेंगे तो इससे ये होगा कि सीड्स भी हमारे साथ में पिस जाएंगे पल्प के, तो उससे ये होगा कि हमारा जो बेल का शरबत है वो ख़राब हो जाएगा, क्योंकि ये बीज कड़वे होते हैं, बहुत ही ज़्यादा कड़वे होते हैं, तो बेल का शरबत हमारा कड़वा हो जाएगा। तो आप इसे प्लीज़ मिक्सी में ना पीसें, आप इसी तरीके से जो मैं मेथड बता रही हूँ आप इसी तरीके से करें, मिक्सी में इसे बिल्कुल ना पीसें, पीसने पर ये बीज पीस जाएंगे और फिर कड़वापन आ जाएगा और हमारा बेल का शरबत ख़राब हो जाएगा। तो आप इस तरीके से मैश कर लें, मिक्सी में ना पीसें, बस मैश जितना हो सके मैश करने के बाद आप इस तरह का दूसरा बाउल ले लें और ये छलनी ले लें आप। छलनी में आप इस तरीके से जो हमारा ये है इस तरीके से आप डालती जाएं, और थोड़ा छानती जाएं, इस तरीके से आप छानें ताकि जो रेशे हैं वो हमारे मुंह में ना आए, नहीं तो अच्छा नहीं लगता। और फ्रेंड्स इसमें फाइबर बहुत है, आयरन है, कैल्शियम है, बहुत हेल्थ बेनिफिट्स हैं, हमें कैंसर से होने से भी बचाता है, ये लू से भी बचाता है, तो काफ़ी इसके हेल्थ बेनिफिट्स हैं, मैं आपको पहले ही बता भी चुकी हूँ। आप इस तरीके से अच्छे से दबा दबा के मैश वो कर लें ताकि जो इसका जूस है, जो पल्प है, वो इस तरीके से हमारा देखिए आ जाएगा। फ्रेंड्स इस तरीके से हमने सारे जूस निकाल लिया है। आप अगर इसमें लगता है, इस जो ये बचा है इसमें अगर लगता है कि इसमें अब ये थोड़ा सा और वो है पल्पी, तो हम इसमें थोड़ा सा और वाटर मिला देंगे ताकि हम थोड़ा सा और, क्योंकि इसमें लग रहा है कि अभी और हम जूस निकाल सकते हैं, इसलिए इसमें थोड़ा सा और पानी मिला दें, इसमें से अभी और जूस निकल सकता है। फ्रेंड्स ये देखिए इस तरीके से हमने निकाल लिया सारा, और इसको आप साइड में रख दें, और ये देखिए कैसे है। फ्रेंड्स अगर इसको थोड़ा सा आप गाढ़ा पीना चाहते हैं तो आप गाढ़ा पी सकते हैं, पतला पीना चाहते हैं तो आप पतला भी पी सकते हैं, तो हम इसे थोड़ा सा पतला कर देंगे, मैंने आधा कप और डाला है। ये देखिए हमारा इस तरीके से बेल का शरबत रेडी हो गया है। फ्रेंड्स आप इसमें, अगर आपको डायबिटीज़ है, आप शुगर के पेशेंट हैं, तो आप इसमें चीनी ना मिलाएं, अगर आप बिन डायबिटीज़ के शुगर पेशेंट नहीं हैं तो आप इसमें चीनी मिला सकते हैं, चीनी मिलानी है, यानी कि शुगर पाउडर। अगर हम चीनी मिलाएंगे तो क्या होगा कि मिलाने में थोड़ी मुश्किल होएगी,
तो आप इसे मिक्स चीनी को मिक्सी में ब्लेंड कर लें, और ब्लेंड करने के बाद आप इस तरीके से शुगर पाउडर रेडी कर लें, और इसमें हम शुगर पाउडर मिक्स करेंगे। फ्रेंड्स अगर शुगर पेशेंट हैं तो आप ऐसे भी पी सकते हैं, बिना चीनी घोले आप ऐसे ही पी सकते हैं डायरेक्टली। और अगर आप हम इस तरीके से हम इसमें शुगर पाउडर मिक्स कर देंगे लगभग 4 चम्मच, 4 बड़े चम्मच लिए मैंने। थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट लिए यानी कि काला नमक 1/4 टेबल स्पून, और रोस्टेड क्यूमिन सीड्स होते हैं जो भुना जीरा पाउडर, वो लिया है मैंने यहाँ लगभग 1/4 से भी कम। और इस तरीके से आप मिक्स कर लें। फ्रेंड्स आई रिमाइंड इट, अगर डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है तो आप इसमें बिल्कुल भी चीनी शुगर पाउडर ना मिलाएं, आप बिना शुगर के इसको पी सकते हैं, बस सिर्फ इसमें ब्लैक सॉल्ट और भुना जीरा पाउडर मिला के आप पी लें, चीनी ना मिलाएं, भुना जीरा पाउडर और ब्लैक सॉल्ट मिला के आप पी सकते हैं, और जो नॉर्मल है वो आप चीनी मिला के आप पिए। तो हमने इस तरीके से शुगर पाउडर मिक्स कर लिया, क्योंकि शुगर को घुलने में थोड़ा टाइम लगता है तो हमने शुगर पाउडर डाला, इसलिए आप अच्छे तरीके से घोल लें इसको। तो फ्रेंड्स आप इस तरीके से 2 ग्लासेस ले लीजिए, और उसमें हम एक आइस 2 आइस क्यूब्स डालेंगे, साथ ही साथ हम इसमें भी डाल देंगे ताकि जो जूस है वो हमारा ठंडा हो जाए। और इसमें हमने जो पानी मिक्स किया था वो ठंडा मिक्स किया था बाद में, पहले जो गूदे के साथ रखा था वो थोड़ा नॉर्मल पानी रखा था। तो आप इस तरीके से आइस क्यूब्स डाल दें ग्लास में, और इस तरीके से आप मिक्स करके सर्व करें। बच्चों को गर्मी से लू से बचाने के लिए आप इस तरह का बेल का शरबत उनको पिलाएं, उनके लिए अच्छा है। फैमिलीज में आप इस तरह का सर्व करें। तो लगभग ये 4 से 5 ग्लास सर्विंग्स के लिए रेडी हुआ है, आप इस तरीके से रेडी कर सकती हैं बेल का शरबत। फ्रेंड्स आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज छोड़ कर अपना फीडबैक ज़रूर बताएं। उम्मीद है आपको रेसिपी बहुत ही पसंद आई होगी, और ये काफ़ी हेल्दी भी है, बहुत ही लाभकारी बेल का शरबत है हमारा, इससे हमें मैंने आपको बेनिफिट्स भी बताए हैं। फ्रेंड्स ये हमारे गैस प्रॉब्लम में भी बहुत ही हेल्प करता है, जिनको गैस प्रॉब्लम रहती है अक्सर आप वो इस तरह का बेल का शरबत भी पिएं तो उनको गैस प्रॉब्लम नहीं होगी, उनको निजात मिलेगी इस चीज़ से। और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो आप प्लीज़ मैसेज छोड़ के कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और मेरे इंडियन फूड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, रेड कलर का बटन होगा वीडियो के नीचे, उस पर सब्सक्राइब लिखा होगा आप उस पर क्लिक कर दें, और उसके बाद एक बेल का आइकॉन आएगा आप उसे भी क्लिक करें, इससे क्या होगा जो मैं नई वीडियो अपलोड करूँगा उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, और आप मेरी नई वीडियो साथ अपडेट होते रहेंगे, इसलिए प्लीज़ बेल आइकॉन पे भी साथ साथ क्लिक करें सब्सक्राइब के बाद, और इसी वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और जितना हो सके आप और लोगों के साथ भी वीडियो शेयर करें सोशल साइट्स पे, मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, इसे प्लीज़ सोशल साइट पे शेयर करें, व्हाट्सअप फेसबुक ट्विटर इंस्टाग्राम सब पे शेयर करें, ताकि और लोग भी इस तरह की रेसिपी ट्राई करें और उन्हें भी हेल्थ बेनिफिट काफ़ी हद तक मिले, और उनको भी बेनिफिट हो इस बेल के शरबत से। तो आप इस तरह का रेसिपी ज़रूर वीडियो शेयर करें, और मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। ओके फ्रेंड्स लाइक करें शेयर करें, कोई क्वेश्चन क्वेरी हो अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में भेज दो, ओके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके फ्रेंड्स बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।